लालटेन का जमाना चला गया, अब बल्ब का जमाना आया, एलईडी का जमाना आया। और एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, और लालू जी की पार्टी महागठबंधन की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। राजद जो है सारे परिवार फील्ड में है, लेकिन एनडीए का पूरा परिवार फील्ड में नहीं है, वो एक प्रत्याशी होता है, ये फर्क है। राजद यादव तो हताश निराश है, उनका जमानत जब्त हो रहा है, लालटेन बुत गया, लालटेन बुत गया। आज पाटलिपुत्र के प्रत्याशी रामकृपाल यादव जी ने अपना नामांकन करवाया, उसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक सभा रखी गई जिसपे खासी भीड़ नजर आई, और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता बिहार से है वो उसमें नजर आए। इसे सब तमाम मुद्दे पे बात करेंगे हमारे साथ राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी हैं, इनसे पूछेंगे क्या लगता है इस बार जो है कई टक्कर मीसा भारती कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दे रही है, तो इतना आसान होगा जीतना? मीसा भारती तो है ही नहीं कहीं, तो टक्कर क्या देगी? पाटलिपुत्र के सम्मानित मतदाता बंधु, गरीबों के मसीहा, विकास पुत्र, सहज सरल स्वभाव के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राम कृपाल यादव जी के पक्ष में उन्होंने मन बना लिया है। और लालटेन की बात आप करते हैं तो मैं बता दूं, जब ये जंगल राज था और लालू जी और राबड़ी जी हुआ करती थी शासक बिहार की, तो लोग लालटेन में पढ़ते थे, डिबरी में पढ़ते थे, 10 बच्चे घेर कर। लेकिन आज एलईडी बल्ब का जमाना आ गया, और सौभाग्यवती योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झोपड़ी में भी बल्ब लटका दिया है, और झोपड़ी में हमारे गरीब बच्चे अब एलईडी लाइट और बल्ब की लाइट में पढ़ते हैं, तो लालटेन अब बुत गया, लालटेन का जमाना चला गया, अब बल्ब का जमाना आया, एलईडी का जमाना आया, और एनडीए गठबंधन का जमाना आया। इसलिए मीसा भारती कहीं नहीं है, उनका जमानत जब्त होगा, और हमारे सम्मानीय प्रत्याशी आदरणीय राम कृपाल यादव जी के साथ पाटलिपुत्र के सभी मतदाता बंधु हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, राजद उल्टा आरोप लगाता है कि जब जब नीतीश कुमार एनडीए बीजेपी के साथ गए तब तक बिहार में जंगल राज बढ़ा है। बिल्कुल नहीं, आप देख लीजिए लालू जी राबड़ी जी में युवाओं को ठगा, नौकरी के बदले में जमीन लिया है उन्होंने, और एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, और लालू जी की पार्टी महागठबंधन की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। आप भी जानते हैं, पत्नी को बनाए राबड़ी जी को, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाए, तेज प्रताप को मंत्री बनाए, मीसा भारती को राज्यसभा सांसद बनाए, अभी रोहिणी आचार्य को भी उतार दिए हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब की बेटी, समाज की बेटी को बिहार भाजपा से प्रथम महिला के रूप में सबसे देश का सबसे उच्चधन राज्यसभा सांसद बनाया। आपके यहाँ भी फर्क है, ये फर्क है, फर्क है, ये फर्क दिखता है। जिक्र नहीं कर रही, किनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? चिराग पासवान का, वो भी तो उसी परिवारवाद किस में आते हैं, शशि सिंह भी तो आती है। नहीं लग रहा है, आप तो नहीं नहीं, आप वो सारे लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये तो सारे लोग फील्ड में है। अच्छा। राजद जो है सारे परिवार फील्ड में है, लेकिन एनडीए का पूरा परिवार फील्ड में नहीं है, वो एक प्रत्याशी होता है, ये फर्क है। 12 तारीख को रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री का पटना में, तो विपक्ष जो है कह रहा है कि जब सांसद काम नहीं करेंगे यहाँ के, तो आखिर प्रधानमंत्री को रोड शो करने आना पड़ेगा ना? क्यों, हमारे प्रधानमंत्री देश के नेता हैं, हमारी पाटलिपुत्र की धरती पर उनका सम्मान है। आप देखिएगा, पाटलिपुत्र ही नहीं, पटना शाही से लेकर जितना आबादी है सब सड़कों पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने समाज के अंतिम शोषित वंचित और दलितों के लिए जो काम किया, 5 किलो अनाज के साथ 5 लाख रुपये का इलाज भी फ्री करवाया, और जनधन खाता से लेकर शौचालय, उज्ज्वला और इज्जत घर, आयुष्मान भारत देने का काम किया, तो हमारी देश की महिलाएं और हमारे बिहार की महिलाएं, बिहार के युवाओं और बिहार के सम्मानित मतदाता मोदी जी को देखने आएंगे, उनको प्रणाम करने आएंगे, और उनको विश्वास दिलाने आएंगे कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि पाटलिपुत्र और पटना साहिब दोनों भारी बहुमत से जीत करके जा रहे हैं, ये जन सैलाब उभरेगा, उमड़ेगा। बार बार जो बिहार में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, विपक्ष ने उनको मजबूर कर दिया है कि बार बार बिहार में आए, पहले तो नहीं आते थे। नहीं, जनता का प्यार है, एनडीए गठबंधन के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का स्नेह है,
वो इसीलिए डर गए तेजस्वी यादव से कहे। तेजस्वी यादव तो हताश निराश हैं, उनका जमानत जब्त हो रहा है। लालटेन बुत गया, लालटेन बुत गया। आप देखते हैं व्हील चेयर पे चल रहे हैं, वो शॉक हो गए हैं। अच्छा, आप जो नारा, आप लोग बीजेपी जो नारा दे रही है कि अब की बात 40 हमार, लगता है कि 40 हमार संभव है इस बार? बिल्कुल, वो तो तय हो चुका है, जनता तय कर चुकी है, 40 तो हमारा है ही। बिल्कुल, एकदम 400 पार, एकदम 400 पार। और हमारा ये पाटली पुत्र संसदीय क्षेत्र है, वो 4 लाख पार। अच्छा, एकदम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जी थी, आपने इनकी बात सुनी। बाकी आपका क्या कहना है आप हमें जो बताइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।